आज संपूर्ण देश में होली के पावन उत्सव को बहुत ही उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है और पतंजलि योगपीठ भारतीय संस्कृति परंपरा के लिए एक आदर्श स्थान है, उदाहरण है। पूरा देश जब किसी भी त्योहार को, पर्व को मना रहा होता है, उस समय पर उनका ध्यान पतंजलि योगपीठ की ओर अनायासी जाता है कि इसलिए कि जो हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, उनका जो विशुद्ध स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, वो पतंजलि एक आदर्श के रूप में देशवासियों के लिए एक अनुकरणीय स्थान के रूप में हमेशा से एक उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। और इस बार इस होली के पावन उत्सव पर हम सब ने यह संकल्प लिया, विचार किया कि पहले विचार हुआ कि बहुत बृहद यज्ञ प्रातः से लेकर के सायंकाल तक यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। बाद में विचार हुआ कि होली के पर्व को लोग उल्लास का पर्व मानते हैं, उत्साह का पर्व मानते हैं, आमोद और प्रमोद का पर्व मानते हैं, तो उल्लास क्या होना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति में तो यदि गायन के लिए भी भगवान ने सामवेद की संरचना करी, यानी यज्ञ करना है तो यजुर्वेद से और गान करना है तो सामवेद के मंत्रों से, यानी हमारी भक्ति, मुक्ति, श्रद्धा, भावना, समर्पण के साथ साथ में साधना, उपासना, उल्लास, प्रसन्नता, आह्लाद, सब कुछ, यानी हम सब कुछ हमारा वेदों से प्रारंभ होता है और वेदों में ही सब कुछ समाहित हो जाता है, वेदों में ही जाकर के उसका समापन हो जाता है। तो जब हमारी परंपरा वेदों की परंपरा है, वेदों की संस्कृति ही हमारी संस्कृति है, तो वेदाश्रित कर्म ही हमारे कर्म हैं। तो प्राचीन काल से ही इसीलिए वेदाश्रित कर्मों का विधान हमारे जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए किया गया और अखिल धर्म का मूल भी वेद को कहा गया, माना गया। तो आज हमने प्रयास किया, विविधता को हमने यहाँ पर इस यज्ञ वेदी पर भी, हमने चतुर्वेद पारायण यज्ञ किए, गायत्री यज्ञ किए, इतना ही नहीं चतुर्वेद पारायण में हमने सस्वर चारों वेदों का अलग अलग तरह का पारायण भी किया। तो आज हमने एक विचार किया, नया विचार, हालांकि प्रातः काल परम पूज्य श्रद्धेय संत स्वामी विजय कौशल जी महाराज के कार्यक्रम में हम वहाँ पर थे, तो प्रातःकाल यह विचार और भी प्रबल हुआ कि हमको होली के उत्सव को यज्ञ की परंपरा के साथ में, कि यज्ञ के साथ संगीत, मंत्रोच्चारण के साथ में म्यूजिक, ये एक नई विधा। आपने सुना होगा कि कथा, संगीतमय कथा का आयोजन भी होता है, संगीतमय कीर्तन तो करते ही हैं लोग, तो फिर लोग श्रद्धेय स्वामी जी ने यह भी परिपाटी करी कि संगीतमय योग की कक्षाएं भी होती हैं। पर आज इस देश और दुनिया के लिए एक नई विधा होगी कि संपूर्ण वैदिक विधान के अनुसार मंत्रों के उच्चारण के साथ में, यज्ञ के साथ में हम संगीत को भी शामिल करते हुए इस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और मंत्रों का उच्चारण, जहां हम यज्ञ के समय पर प्रारंभ में संपूर्ण वैदिक शैली में हम उसका उच्चारण करेंगे, तो बाद में गायन शैली के साथ में मंत्रोच्चारण करते हुए हम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। संभवतः यह देश का पहला अनुष्ठान है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। यज्ञ भी संगीतमय होगा, यज्ञ भी साधनामय हम इसको करेंगे। हमारे पूरी टीम, हमारे ब्रह्मचारी गण, हमारे सन्यासी भाई बहनें और हमारी पूरी संगीत की हमारी टीम इसके लिए तैयार है। अथ संकल्पः ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे अष्टाविंश
प्रतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र शिशिररितौ फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ इन्दुवासरे भूरादि सप्तलोकानामन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे पतञ्जलियोगपीठस्थे प्रथमे चरणे पवित्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः होलिकायाः पावनावसरे विशिष्टं यज्ञं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत् इति संकल्पः अथेश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा तू सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके नष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदारक प्रेम सिंधु हमको दीजिए ओम समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम तू हि स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है सूर्य चंद्र लोकादिक को और दिखाता है पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी या आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिषय्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम तू हि आत्मज्ञानबलदाता सुयश बीज जन गाते हैं तेरी चरण शरण में आकर हम सागर भर जाते हैं को ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में ओम अग्नि में ईडे पुरोहित यज्ञस्य देवं ऋक्तिजम् होतारं रत्नधातवम् विश्वविधाता के चरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाऊं जिसमें यह ब्रह्मांड सवारा उसकी गाथा गाऊं ओम स्वस्ति नो ओमिमेतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनाः ॐ सरः पिते वसूनवेग्ने सुपायनो भव स
रचस्वान स्वस्तये। जैसे सुत को शिक्षा देकर पिता सुजान बनाता है, जगत पिता है स्वस्ति देवदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। विद्युत पवन मेघ नभ धरणि बोधमयि भयहारी, विद्वानोऽपि वाणी होवे सुखद सर्वहितकारी। वायुमुपब्रवामः सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः, बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। जगत्पिता सबके स्वामी सदा स्वस्ति कल्याण करे, विविध रूप से दान धरे हम स्वस्ति सुमंगल दान करे। विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये, वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तये, देवावन्त्रिभव स्वस्तये, स्वस्तिनो रुद्रपात्मङ्घसः। हे रुद्र प्रभु देव हमारे हमारे सदा रक्षा करे, पाप कर्म से बचे हम स्वस्ति के पथ पर बढ़े। स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिरो अदिते कृधि। प्राण अपान सदा सुख देवे, पितृ सभर्त्र बन जावे, ओ परमेश कृपा करे जीवन में उल्लास बढ़ावे। स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव, पुनर्दधताग्नता जानता सङ्गमे महि। सूर्य चन्द्र के स्वर्गे पद पद हम प्रभु चलते रहे, ज्ञानी दानी बने अहिंसक सदा सत्संग करते रहे। यजत्रा अमृता आरितज्याः, तेनोरासन्ता मुर्गाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। यज्ञव्रति वेदान् सर्वदा कर्मवत् बदलावे, अन्तस्थल मे ज्योति जगाकर श्रेयमार्ग जितलावे। पिन्वते पयः पेयुषं द्यौररितिरद्रिबर्हाः, उक्त सुष्मान् वृषभरा स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। वेदधरतिमा मेघमधुरमृतरस प्रदान करे, आदित्यम् चारी चरमत् ऋचक्षसो अरिविशन्तो अर्हणा, बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः, ज्योतिरथा हि माया अनाघसो दिव
देवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। यश गूंजे द्युलोक में शक्ति सदा कल्याण करे, अमरत्व को पान सदा वे पूजनीय महान बने। ओम सम्राजो ये सुवृधो यजमा ययुर परिफ्रेता दधिरे देवेक्षयम् तां आविवास नमसा सुवृक्तिभिः महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये। आरभरी मधुरवाणी से जीवन के सम्मान करे, याचित सुमन ब्रह्मचारी हमारा सदा कल्याण करे। स्तोमं राधतियं जुजो शत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को वो उद्भरन्तु विजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यं हस्वस्तये। यज्जो गुणस्तुतियो के पलका वही प्रदाता है, सप्त होत्रिभिः ता आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगारः कर्त सुपथा स्वस्तये। जिसने अनल वारुण जल भूपे द्या फैलाई, उसकी सुयस पता था जग में गौरव से लहराई। प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्धवः, तेन कृतादकृतादेन सस्पर्यद्यादे वासः पिप्रिता स्वस्तये। जड़ चेतन के ज्ञानी ऋषिगण हमको शक्ति प्रदान करे, ये अन्य पाप कर्म से आज हमारा उत्थान करे। ओम भरेश्विन्द्रम सुहवम हवामहे गोमुचम सुकृतं दैव्यं जरम अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। से सम्मान लीजिए, आत्मरक्षा ही हमारा सूर मंगल कीजिए। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामहेह सं सुशर्माणमरितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वहित्रामना गसमस्रवन्ती मारुहे मा स्वस्तये। विद्यां से जीवन अपना निर्मल स्वच्छ बनावे, धर्म दान से होकर उसको लक्ष्य तीर पहुंचावे। ओम विश्वे अधिवोचतोत्तयेत्रायद्वन्नो दुरेवाय अभिहृतः सत्यया आहो देवहूत्याहुवेम शिण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। यज्ञाधिक सत्कर्मो से विद्वान् सुमार्गरावे, स्वयं अभय हो सुख बरसावे सबको सुखी बनावे। ओम अपामी
वाम पविष्मामना उतिम पारा तिम दुर्विदत्रा मघायतः आरिदे वाद्विशो अस्मद्युयोतनोरुणश्चर्म यच्छता स्वस्तये द्वेष पाप अशुभ कर्मों को दूर सदा हमसे धरे ज्ञान यज्ञ शुभ कर्म नित्य हमारे में भरे अरिष्ट समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परी यमा आदित्या सोन यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये आदित्यगण जन जन को सन्मार्ग पे सदा चलावे धर्म पालन प्रजा सहित वे आनंद मार्ग पे बढ़ जावे तौ यं शूरसाता मरुतो हिते धरे प्रातर्यावाडं रथमिन्द्रसारसि मरिष्य तमारुहे मा स्वस्तये जीवनरूपी रथ को पावन पथ पर सदा बढ़ावे जग के उपकारी कर्मो पथ्या सुधन्वसो स्वस्त्या अप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति नः पुत्र कृतेषु योनिषु स्वस्ति रागे मरुतो दधातन सेना सुत जल धेनु धर मार्ग सुगम बनाओ वातावरण शुद्ध बनाकर फिर विरोध स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेग्णस्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपात सावेश भवतु देवगोपा गुणवति धन्य धान्य संपन्न पृथ्वी सदा कल्याण करे सुवीर मात्र भूमि का मिलकर हम सम्मान करे ओम इशे थोर्जे पावायवस्थ देवो वस्त विता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय त्वमज्ञा इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमागशगं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वेर्यजमानस्य पशून् पाहि वही अन्नदाता बलदाता वही पिता कहलाता वो रक्षा यज्ञादि कर्म कर नर उसके मिल जाता ओम आलो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीता स उद्भिदः देवा नो यथा सदमित्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे शुभ कर्म संकल्प हो सब भांति सदा कल्याण हो प्रीत जनों से ही सदा चो इस हमारा दान हो ओम देवानां भद्रा मतिर्रिजूयतां देवानागं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागं सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे
सरल देव गण से प्रतिभा पा हम अपना कल्याण करें उनके आदर सो पर चल हम नव जीवन निर्माण करें ईशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् उषाणो यथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये चर और अचर जगतपति से हम निर्मल नेम लगावे शुद्ध हृदय से करें प्रार्थना प्रभु शरण हो जावे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टरे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यशस्वी ऐश्वर्यशाली हमारा सदा कल्याण करे सर्वज्ञाता पालक रक्षक आनंद भगवान करे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनु भिर्यशेमहि देवहि तञ्जरायुः हे देव कानों से सदा ही भद्र हम सुनते रहे भद्र कानों से लगे सुकर्म अंगों से सदा करते रहे ओम अग्न आया आहि वीतये गृणायो हव्यदा आतये निहोता आसत्से बर्हिषि ज्योति स्वरूप मेरे अंतर में दिव्य ज्योति फैलाओ कर्म योग के तर्क सुझाकर नर्तन सफल बनाओ ओम त्वमग्ने यज्ञाना होता विश्वेषाभितः देवे भिर्मानुषे जरे जग जग के सकल यज्ञ के होता सच्चिदानंद कहाते भक्ति भाव से तुमको भज कर अब सागर तर जाते सप्ता पर्यन्ते विश्वा रूपाणि बिभ्रदः वाचस्पतिर्बला तेषा तन्वो अद्य दधातु मे सकल जगत के धारक स्वामी विनय ही स्वीकार करो मेरे अंतःकरण तन में बल शक्ति का संचार करो इति स्वस्ति वाचरम् अथ शान्तिकरणम् ॐ शन्न इन्द्राग्नी भवतामवो भिषन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा आसुविता यशयो शन्न इन्द्रा आभूषणा वाजसातौ विद्युदयग्नि पवन जल सारे सुख सौभाग्य बढ़ावे रोग शोक भय त्रास पास हमारे कभी न आवे ओम शनो भगशमु नशंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शमु संतुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरु जातो अस्तु सत्य धर्म ऐश्वर्य सुबुद्धि सदा शांति बढ़ावे प्रभु के पद पंकज पर श्रद्धा के हम पुष्प चढ़ावे
दाता शमु धर्तारो अस्पृशन्न उरुचि भवतु स्वधाभिः शम्रोदसी बृहति शन्नो अदृशन्नो देवाना सुहवारि सन्तु सबका पोषण धारक ईश्वर सदा शांति बरसावे भूमि पर्वत मेघ देव सदा शांति बरसावे ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्र वरुणा वश्विनाशम शन्न सुकृता सुकृतानि सन्तु शन्न इशिरो अभिवातु वातः हे ईश पवन रवि चंद्र हमारे दुख संताप मिटावे दिवस प्रमोद पूर्ण रजनी भी सुख सौंदर्य बढ़ावे ओम शनोद्यावा पृथिवी पूर्वहु तौषमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधिर्वरिणो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः द्यो धरणी रविचन्द्र सुकर्म द्विसायक बन जावे अन्य औषधि वनस्पति सम्यक लाभ उठावे पवस्वशङ्गवेषञ्जराय शमर्वते शन्राजन्नोषधीभ्यः ॐ भूर्भुवस्वत्यौरिव भूना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवीदेवयजनिभिष्टेऽग्निमन्ना मन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्णे सगं सृजेथामयं च अस्मिन् स